श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा फूड्स और डिवाइन मंत्र भी जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और हम आपको बताने जाने वाले हैं भगवान कुबेर के बारे में कि कैसे वो एक भिखारी ब्राह्मण से धन के देवता बन गए, कोषाध्यक्ष बन गए। हालांकि बात पूर्व जन्म की है, पर भिखारी ब्राह्मण से ही वो धन के देवता बने हैं। आज हम आपको कुबेर देव के पूर्व जन्म से जुड़ी एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे एक गरीब ब्राह्मण देवताओं का कोषाध्यक्ष बना और धन के देवता बन जाते हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में कुबेर देव एक गुण निधि नामक ब्राह्मण थे। अपने बालपन में पिता द्वारा उन्होंने धर्म शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की, लेकिन धीरे धीरे गलत मित्रों की संगति के कारण उनका ध्यान धार्मिक कर्मकांडों से हटकर जुआ खेलने और चोरी करने में लगने लगा। गुण निधि ने धर्म से विमुख होकर अब आलस्य को अपना साथी बना लिया था। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन गुणनिधि के पिता ने अपने पुत्र से दुखी होकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब वो घर से निकला हुआ बेसहारा एवं असहाय ब्राह्मण था। वो लोगों के घर जाकर भोजन मांगता। एक दिन वो भोजन की तलाश में गांव में भटक रहा था, परंतु उस दिन उसे किसी ने भोजन नहीं दिया। दुखी होकर गुणनिधि इधर उधर भटकते हुए वन की ओर जा पहुंचे। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल हो रहा था। तभी उसे कुछ ब्राह्मण अपने साथ भोग की सामग्री ले जाते हुए दिखे। भोग सामग्री को देख गुणनिधि की भूख और अधिक बढ़ गई और वो भी उन ब्राह्मणों के पीछे पीछे चल दिया। ब्राह्मणों का पीछा करते करते गुणनिधि एक शिवालय आ पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं ब्राह्मण लोग। भगवान शिव को भोज अर्पित कर वे भजन कीर्तन में मग्न हो गए। उधर गुणनिधि भी इसी ताक में था कि आखिर कैसे उसे भोजन चुराने का मौका मिले। और गुणनिधि को यह मौका मिला रात्रि के समय। रात्रि के समय भजन कीर्तन की समाप्ति के बाद सभी ब्राह्मण सो गए और गुणनिधि को बस इसी मौके का इंतजार था। वो चुपके से दबे पांव भगवान शिव के प्रतिमा के समीप गए और वहां से भोग के रूप में रखा प्रसाद चुराकर भागने लगे। परंतु भागते समय गुणनिधि का एक पांव किसी ब्राह्मण पर लग गया तथा वो चोर चोर चिल्लाने लगा। गुणनिधि जान बचाकर भागा, परंतु नगर के रक्षक का निशाना बन गए और उनकी मृत्यु हो गई। परंतु अनजाने में गरीब ब्राह्मण गुणनिधि से महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हो गया तथा उसे प्राप्त होने वाले शुभ फल का हकदार बन गए। उस व्रत के फल स्वरूप अपने अगले जन्म में गुणनिधि कलिंग देश का राजा बने। अपने इस जन्म में गुणनिधि भगवान शिव के परम भक्त था तथा वो सदैव भगवान शिव की भक्ति में खोए रहते थे। उसकी कठिन तपस्या को देख भगवान शिव उस पर प्रसन्न हुए और उसे वरदान स्वरूप यक्षों का स्वामी तथा देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया। इस प्रकार गरीब ब्राह्मण गुणनिधि से वह धन के देवता कुबेर बने। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।